बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा जरमीन हाजर। पेश है अब तक की हेडलाइंस। समंदरी वसाइल से इस्तेफादा करके मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। दुनिया के निजाम को पुरअमन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पाक बैरिया खित्ते में अमन के लिए कोशा है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की कराची में मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2021 के इफ्तिताही सेशन से खिताब। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट खुफिया राय शुमारी को तस्लीम नहीं करती। पीडीएम खुफिया राय शुमारी की मुखालिफ नहीं लेकिन मुनाफकत के खिलाफ जरूर है। मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियो पर हुकूमत बेवकूफ बना रही है। वीडियो बनाने, जारी करने और पैसे लेने देने वाले ये खुद है। मरियम नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में फी यूनिट बिजली 1.95 रुपए महंगी करने का पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में वाजे किया गया है कि के इलेक्ट्रिक के सार्फीन के लिए भी फी यूनिट बिजली 1.95 रुपए महंगी कर दी गई। महकमा तालीम सिंध के तहत चलने वाले स्कूलों की स्कूल शुमारी रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके तहत कराची समेत सिंध के 26,000 से ज्यादा स्कूलों में पीने के पानी और 19,000 से ज्यादा स्कूलों में बैतुलखला की सहूलत मौजूद नहीं। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर, चमन, आजाद कश्मीर, दिल्ली समेत गिरदोनवा के इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके कई सेकंड्स तक आते रहे, जिसकी वजह से बुलंदोबाला इमारात को बाकायदा हिलते हुए देखा गया। ये थी हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए।